दोस्तों, राम राम, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग के स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आंसू डॉट पर। तो आप सब कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ई ब्लॉग के शुरुआत हम कर रहे हैं, 9:10 हो रहा है, 15 मिनट हो रहा है, जो कि आप सब देख लीजिए। और आज है सैटरडे, जो कि हम अभी आ रहे हैं दोस्तों, रखते हैं पहले मोबाइल यहाँ। और हम आ रहे हैं अभी मंदिर से, क्योंकि मंदिर गए थे हम, कल ही जाने वाले थे शुक्रवार को। सोच रहे कि डेली जाएंगे मंदिर में भोले बाबा को जल देने के। पहले उस वीडियो को मैं पोस्ट करूंगी, फिर आप सब से हम मिलेंगे। तो आप सब ऐसे ही ब्लॉग पर बने रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। और आज सबसे एक बड़ा काम करना है मेरे को, क्योंकि कितना दिन से मैं पेंडिंग में रखी हूँ और दीपावली भी नज़दीक आ गया है। तो सबसे पहले मैं आज कुछ भी ना करके खाना उना भी बनाएंगे थोड़ा लेट से ही। बाकी फर्स्ट वाला काम रखेंगे किचन का, जो कि थोड़ा सा कागज चिपकाना है और बाकी दीवा हुआ धोना है, धो दिए हैं और अच्छा से उसको सरियाना है। तो चलिए, ज़्यादा मैं बकबक नहीं करूँगी और मैं जाती हूँ, नाश्ता करती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ। ये देखो अंशु जी क्या कर रही है थी, मैं देखा इनको कि ये लगी है बेचारी कब से। क्या जी मीना, जो भी काम है ना बहुत अच्छा काम करती है। आज इसको ड्रेसिंग कवरिंग करेगी, इसमें वो लगाएगी क्या, कागज लगाएगी, बहुत मेहनत करती है। लेडीज को क्या है ना, किचन किचन को थोड़ा वीआईपी तरीका से दिखना चाहिए और किचन बहुत सुंदर होना चाहिए, किचन होना चाहिए और बेडरूम बहुत अच्छा, बस दो चीज़ होना चाहिए टकाटक। बाकी थोड़ा कम बेसी भी होगा लेकिन किचन में तो भाई रहेगा ही। अभी मैं ये अकेले लगा रही थी, परेशान थी, मैं उधर से आया, क्या कर रही है बाबू? तो देखे कि लगा रही, तो मैं भी थोड़ा हेल्प कर दिया इसका। और क्या करूँ, हेल्प करना चाहिए इनको, क्योंकि हम ही दो हैं तो आपस में लगे रहते हैं, क्या करें, काम करते रहते हैं कुछ ना कुछ। और इनका शाम के टाइम हो गया। हेलो दोस्तों, अभी क्या बोलते हैं, शाम का समय हो गया है, जो कि 6 बजने वाला है। और मैं बना रही हूँ सेवई, और मैंने बना के रख आटा गूंथ के यहाँ रख ली हूँ। और यहाँ दोस्तों मैंने भुजिया भी काट के रख ली हूँ। लगाओ थोड़ा चाकू देना तो उधर से। और सेवई कितना दिन से रखे थे, और दूध भी था, दो मेरे को इधर इधर वो हटा के रख दो, आलू रखा करो, और दो अक्षर पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ, हम आ रहे हैं। क्योंकि सुबह में सोचे थे इसको बनाने के लिए तो दूध नहीं था, और लाडो पापा गए भी नहीं दूध लाने के लिए, और बोले तो दूध आता है उसी से बना देना। तो यहाँ मेरा दूध फौल रहा है। और दोस्तों सुबह से मेरे को समय नहीं मिला ब्लॉग शूट करने के लिए, बाकी कुछ कुछ मैंने ब्लॉग शूट किए हूँ तो मैं ब्लॉग में डाल दूंगी। और दोपहर में मैं दोस्तों ई वाला काम करने लगी थी, जो कि पहले मैं दूसरा कागज लगाई थी और वो कागज क्या था कि निकलने लगा था, तो मैंने उस कागज को हटा के और फिर से दूसरा कागज चपका दी हूँ। और यहाँ मेरे को खाना नहीं बना करना चाहिए, क्योंकि इसमें सारा सामान मैंने हटा के रख दी, इस पर रखूंगी तो भी उतना अच्छा से सूखा नहीं है। इंग्लिश का बुक देखी हो ना? नहीं मिल रहा है का इंग्लिश का बुक, तो हमें जानता है तुम्हारा इंग्लिश का बुक, बोलो। और दोस्तों भुंजिया बनाने के लिए, तो आप सब चलिए दोस्तों ऐसे ही ब्लॉग पे बने रहिएगा, मैं वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। इधर इधर तो रख
जहाँ रखा होगा वही होगा। गाय का चोरा क्या ले गया? दो दिन से नहीं मिल रहा, तो छोड़ दिया कहीं स्कूल में। छोटा बेटी खाने में आया था। और दोस्तों लाडू के पापा गए हैं ड्यूटी, और ड्यूटी मंदिर में भी चले गए हैं क्योंकि मंदिर के पुजारी जी चले गए हैं अपने गांव, और उनकी बेटी का क्या बोलते दोंगा वाला था, इसलिए तो अभी मंदिर में दूसरा कोई लगा हुआ है। फिर भी वो बोले कि थोड़ा सा आके झाड़ू पोछा कर देना और बर्तन वर्तन धो देना, बाकी काम आके हम, और इस पर जो तेल वगैरह गिरता है ना, चाहे कुछ भी जो भी कुछ है, तो वो नहीं हुआ, उससे हम छुटकारा पा लेंगे। और चलिए दोस्तों आप सब ऐसे ब्लॉग पे बने रहिए। सब जगह दिया हुआ जल गया। राधे राधे, जय श्री राम। आ रही है तो एक बार फोन तो कर देना चाहिए। ये बोले कि आ जाओ मंदिर में कोई है नहीं, से दिया दिखा देते हैं। और लगा दीजिए। हाँ थैंक यू। जय श्री राम, श्री राधे। आप जब आइए तब एक बार मेरे को आवाज लगा दिया करिए, मैं आ जाऊंगी, ठीक है? आप जब आइएगा एक बार मेरे को आवाज लगा दीजिएगा, मैं सिर्फ आरती आरती के समय तो आ सकती हूँ ना। जब आइएगा तब बताइएगा एक बार, हम तो सुबह आए तो भोले बाबा को जय श्री राम। जय जगदीश हरे स्वामी, जय दीननाथ हरे भा।